नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज सिंह खलेरा। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है गांव दुबलदन में। बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से निकली चिंगारी ने गांव दुबलदन के एक किसान अनिल पुत्र रोहतास ने घर मौजूद लाखों रुपए के कीमती सामान जलकर राख हो गया। अनिल के चाचा आवाज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात करीब 10 बजे घर में लगे बिजली के मीटर के साथ शॉर्ट सर्किट होने पर निकलने वाली चिंगारी घर में रखे कपड़ों में जा गिरी और आग लग गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय अनिल अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऊपर चौबारे में सो रहे थे। तेज धुआं और आगजनी होने के कारण पीड़ित परिवार के सदस्यों एवं पड़ोसियों ने आग को काबू करने के लिए काफ़ी मकसद करनी पड़ी, लेकिन पूरे घर में तब तक आग फैल चुकी थी। इस बारे में पुलिस एवं अग्निशमन विभाग जज्जर को फोन पर सूचित किया गया, तब जाकर आग को बुझाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग में 24 क्विंटल सरसों सुपर सीडर मशीन, पाइप, इन्वर्टर बैटरी, पानी की टंकी, प्लास्टिक के तेल के लिए उपयोग बैरियल, तिरपाल, 42 कट्टे DAP सहित अन्य कीमती सामान जलकर राख हो गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि पीड़ित किसान को प्रशासन की तरफ से मुआवजे के तौर पर आर्थिक मदद करनी चाहिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है, साहब जी ये कैसे आग लगी? क्यों ये शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पर बैरल रखी हुई डीजल की फुल बैरल, उन्होंने पकड़ी है बैरल, पहले बैरलों ने पकड़ी है, बैरलों ने पकड़ने के बाद में अंदर लगभग 10:30 के आसपास की बात है, तो लगभग परिवार पूरा लगभग सोने की तैयारी में सोए चुके हैं, पड़ोस में बैठे लगभग 10-15 आदमी, 5-7 आदमी काफी रेट बैठ रहे थे, उन्होंने धुआं उठता हुआ दिया दिखाई दिया, तब आकर के मतलब ये पता लगाया कि आग लगी है। काफी परिवार तो अपने फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया होगा? पुलिस को भी हमने फोन मिला है और फायर ब्रिगेड को। तो कितनी हानि हुई है इसमें? हानि इसमें लगभग एक तो सुपर सीडर है, 42 कट्टे DAP के थे, दो बैरल बिल्कुल पुलिस की थी डीजल की थी, और 65 मिनट के करीब ये थी सरसों थी, और जितने भी तरपाल वगैरह जूड़े के तरपाल और बाकी धानों के लिए अंदर ये पंखा है, कूलर है, ऊपर बड़ी टंकी है, 10 लाख के आसपास। हाँ लगभग 10 लाख के आसपास।